हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है ईद का सेकंड डे, तो आज के लिए भी हैप्पी ईद, ईद मुबारक। और आज है सेकंड डे, आज है मेरे घर में दावत, मेरे आएंगे रिलेटिव, तो उसकी तैयारियां चल रही हैं। मैं रेडी हो गई हूँ, मैंने अपने बालों को झाड़ लिया है और बाल आज मैंने नहीं धोए अपने, और मैं अभी हूँ, काम भी कर रही थी। तो ये अप्पी का पूरा मेरा जो सामान है, क्योंकि उनकी शादी भी है तो वो फैला हुआ है, और अभी शादी का भी काम है और साथ में ईद का भी काम है। तो अभी रिलेटिव आएंगे, उनके साथ टाइम स्पेंड करना है, ईद को और सेलिब्रेट करना है, क्योंकि हम 3 दिन 4 दिन या जब भी जैसे जैसे सबको टाइम मिलता है, लोग एक दूसरे घर आते जाते हैं और हम ईद सेलिब्रेट करते रहते हैं। तो अभी फिलहाल ये सारा काम जो है रूम का ये ख़त्म करूँगी, उसके बाद नीचे जाऊँगी, नीचे जाके भी जो काम करना है किचन का वो करवाऊँगी, और फिर रिलेटिव आएंगे तो रिलेटिव के साथ बैठूँगी, बातचीत करूँगी, खाए पियेंगे और फिर आगे हम ईद सेलिब्रेट करेंगे। ये रहा पूरा सामान जो कि पैक हो गया है और अभी ऐसे ही पड़ा हुआ है, हालांकि फिर भी अच्छे से अच्छे से तरीके से रखा हुआ है, बहुत रूम के अंदर फैला नहीं हुआ, बेड खाली है। और ये सारी चीज़ें हैं मेरी बहन की जो कि जाएंगी, क्योंकि उनकी शादी है और अच्छे से पैकिंग हो गई है, क्योंकि अब शादी में भी ज़्यादा टाइम है नहीं। और मैंने पहना है ये ब्लू कलर का सूट, जो कि बहुत ही प्यारा सूट है, मॉम लेकर आई थी ये सूट। और इस पर मतलब कढ़ाई तो नहीं है, इस पर यूँ ही जो है काम है, मतलब इस कपड़े के ऊपर ही वर्क है, कढ़ाई वाला नहीं, प्रिंट वाला वर्क है। और ये बहुत ही ब्लू कलर का अच्छा सूट है। मैं रेडी हो गई हूँ, अब मैं जा रही हूँ नीचे, और नीचे जाकर मैं अपने बाकी सारे काम करूँगी। ये है दही बूंदिया, जो कि बूंदी होती है, इसको दही में बनाते हैं और इसमें शुगर ऐड नहीं होती, बहुत ही अच्छी टेस्टी होती है। ये कौन आ गया? हाँ, उसको कुछ बोलो। क्या कह रहे हो? क्या अभी आ जाओ, इस पे आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ। कहाँ? लाइट। मैं जा रही हूँ, मैं जाऊँ अंदर? जा रही हूँ मैं अंदर। कहाँ है लाइट? हो फिर जल गई। गिर ना जाना, इधर देखो। हाय। हाँ, बंद बंद। हाँ सही है, आओ अंदर चले। ये वाला बाकी है, ये वाला। हाँ ये ओपन करो। हाँ बस बस आ जाओ। हाँ चले अंदर चले। नहीं आना, जाना है। हाँ लाइट जलाना है, बस लाइट बल्ब ऑन करना है। कितना बार ऑन ऑफ करोगे? हाँ ये बन रहा है रायता और बिरयानी है, क्योंकि मॉम ने बिरयानी बनाई है खाने में, तो बिरयानी के साथ हमेशा रायता चलता ही है। तो कुछ लोग होते हैं जो मीठा रायता खाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो नमकीन रायता खाते हैं। वैसे मैं जो हूँ वो रायता खाती ही नहीं हूँ, मुझे बिरयानी यूँ ही पसंद है, बिना किसी चीज़ के, बिना किसी सप्लीमेंट के। बिरयानी खुद अपने आप में बहुत अच्छी होती है। बिरयानी के साथ कबाब भी थे, हाँ कबाब मुझे पसंद है, मॉम ने चिकन के कबाब बनाए थे तो मैंने कबाब भी टेस्ट किया था, बट बिरयानी मुझे यूं ही बहुत अच्छी लगती है और काफ़ी अच्छी बनी भी थी। मैं आई हूँ आज अप्पी के साथ फर्नीचर देखने। फर्नीचर तो हम पहले ही सिलेक्ट कर चुके हैं, ऑर्डर दिया था फर्नीचर को बनने का, कलर वगैरह भी सिलेक्ट कर लिया था, बट जो हमने डेट दी थी अप्रैल की रमज़ान के बाद, तो आज हम देखने आए हैं कि जो जो हमने ऑर्डर दिया था फर्नीचर का वो रेडी हो गया है या नहीं रेडी हो गया है। और हम यहाँ पर आए तो उन्होंने बताया कि अभी आपका फर्नीचर कंप्लीट रेडी नहीं हुआ है, हालांकि ये उनकी गलती है, उनको जो डेट दी थी उनको रेडी कर लेना चाहिए था, क्योंकि हमने रमज़ान के पहले ऑर्डर दिया था तो उन्हें 1 महीने में रेडी कर लेना चाहिए था, तो बहुत सी चीज़ें उन्होंने रेडी नहीं की। तो जो भी रेडी किया था वो हम देखने के लिए जा रहे थे, और बेड रेडी था, साथ में जो सोफ़ा है अप्पी का फर्नीचर वो रेडी था, लेकिन बाकी चीज़ें रेडी नहीं थी।
इनके पास फर्नीचर वगैरह काफ़ी अच्छे होते हैं। बनारस में ये शॉप है गोदौलिया के पास, और फर्नीचर इनके पास काफ़ी अच्छे होते हैं। जो न्यू डिज़ाइन के आजकल बेड आ रहे हैं, ये तो काफ़ी पुराने हो गए लकड़ी वाले बेड, जो न्यू बेड आ रहे हैं इस डिज़ाइन के, वो काफ़ी अच्छे हैं। अप्पी का भी इसी डिज़ाइन का बना है, इस डिज़ाइन का नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन अप्पी का फर्नीचर भी काफ़ी अच्छा है। हालांकि आज पूरा रेडी नहीं था, जब सारा फर्नीचर रेडी हो जाएगा उसके बाद सारा फर्नीचर एक साथ भेजा जाएगा जहाँ पर अप्पी की शादी होनी है। तो अभी उन्होंने कहा है कि एक दो दिन का और टाइम लगेगा, और एक दो दिन में वो कंप्लीट कर देंगे सारा फर्नीचर और फिर वो भेज देंगे। और मैं घर अपने लिए ये शॉर्मा लेकर आई हूँ, मुझे शॉर्मा बहुत पसंद है। हालांकि शॉर्मा हैवी होता है बट पसंद मुझे बहुत है। और इसके साथ दो चटनियाँ, दो चटनी नहीं, एक्चुअली चटनी एक है, दूसरा एक मायोनीज है, और ये चिकन का शॉर्मा है। बहुत से लोग जो शॉर्मा देते हैं वो पीटा ब्रेड में देते हैं, और मुझे वो ब्रेड पसंद नहीं है। इनका जो है ना रोल होती है पतली सी रोटी टाइप की, और उसमें ये चिकन फिल करके शॉर्मा पूरा बना कर देते हैं। तो इनका जो शॉर्मा है बहुत ही टेस्टी होता है, तो मुझे तो शॉर्मा खैर इनका बहुत ही पसंद है। हालांकि मैं बहुत नहीं खाती, कई कई दिन पे खाती हूँ, लेकिन जब भी खाती हूँ हमेशा मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये है मेरा छोटा सा व्लॉग, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा है व्लॉग को एडिट करने का, शूट करने का बहुत सारा काम है। सो ये मेरा दो दिन का व्लॉग है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, टाटा बाय।